हम सभी जानते हैं कि गांधी जी की मृत्यु में एक संपूर्णता थी। आज़ादी के चंद महीनों के अंदर 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली चलाई। गांधी जी अपने हत्यारे को नमस्कार करते हुए जमीन पर गिर पड़े और गिरते वक्त उनके लबों पे सिर्फ एक नाम, राम। पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में शोक छा गया। पर क्या होता अगर 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या नहीं हुई होती और वे कुछ और वर्ष जीवित रहते। नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न बाबा के चौथे एपिसोड में मैं मुक्तेश आपका स्वागत करता हूं। गांधी जी की मृत्यु के वक्त उनकी उम्र 78 साल थी, तो मान के चलते हैं कि वो 5 और वर्ष जीवित रहते। अपने अंतिम दिनों में वे और भी ज़्यादा शक्तिशाली थे, शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर से भी। उनके मुख्य एजेंडे कुछ इस प्रकार से होते: भारत पाकिस्तान संबंध, कांग्रेस का विस्थापन, गांवों को आत्मनिर्भर बनाना। अगस्त 1947 से ही गांधी जी पाकिस्तान जाना चाहते थे। 23 सितंबर को उन्होंने कहा, मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, रावलपिंडी जाना चाहता हूँ। अपनी इच्छा के बारे में उन्होंने जिन्ना को लिखा। वहाँ जाकर क्या कहते ये वो खुद पहले ही लिख चुके थे। पाकिस्तानी सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करनी चाहिए और जो लोग डर कर भारत जा चुके हैं उन्हें वापिस बुला लेना चाहिए। मुझे पता है पंजाब में, सिंध में और फ्रंटियर प्रोविंस में क्या हो रहा है। तो क्या गांधी जी के ऐसा कहने से पाकिस्तान ये बात मान जाते? वो बिल्कुल ये बात मान जाते, क्योंकि ये पाकिस्तान दौरा उनके 13 से 18 जनवरी उपवास के उपरांत होता और ये उपवास पाकिस्तान को उसके हक का 55 करोड़ दिलाने के लिए था, जो कि भारत कश्मीर में तनाव के वजह से नहीं दे रहा था। इस उपवास का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पाकिस्तान में देखा जा सकता था। इसी दौरान भारत पाकिस्तान से जुड़े सारे समस्याओं का हल हो जाता, कश्मीर का मुद्दा भी। तो ये सब गांधी जी का विचार था, जैसा कि उन्होंने 16 जनवरी को कहा था। जनवरी 1948 में आंध्र के एक वरिष्ठ नेता कोंडा वेंकटप्पैया ने गांधी जी को एक खत लिखा और वहां हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस विधायक अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय में बाधा डाल रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। यह सुनकर गांधी जी को झटका लगा। गांधी जी के उपवास के पीछे का एक कारण ये भी था और यहीं से गांधी जी को विचार आया कि आज़ादी के साथ कांग्रेस का रोल भी अब पूरा हो चुका है, अतः अब इसे एक राजनीतिक दल की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे संस्था के रूप में काम करना चाहिए जो जनता के सशक्तिकरण के लिए काम करे, जो कि असाक्षरता, सेहत, बेरोजगारी, छुआछूत और सांप्रदायिक असहिष्णुता जैसे मुद्दे पे काम करें। 1950 में भारत का संविधान प्रभाव में आया, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखा गया था। निश्चित तौर पे गांधी जी का भी हमारे संविधान पे प्रभाव दिखता। 1950 में भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित हो चुका था, जिसके चलते 1951-1952 में आम चुनाव होना था। गांधी जी इसी का इंतजार करते और सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करते। वे कांग्रेस को भंग करने की बात कहते। नेहरू जी कांग्रेस के नाम पे वोट मांगते और गांधी जी कांग्रेस भंग करने का आह्वान करते। काफ़ी असमंजस भरा माहौल होता। अगर गांधी जी का यही रवैया होता तो कांग्रेस दो भाग में बढ़ जाती, एक लेफ्ट कांग्रेस जिसमें नेहरू, शास्त्री जी होते और एक राइट कांग्रेस जिसमें मोरारजी देसाई, श्याम प्रसाद शर्मा जी होते। इससे कांग्रेसी विरासत का प्रभाव कम होता, जिससे 1975 की इमरजेंसी भी नहीं होती।
पर गांधी जी किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते और राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा के चलते उनके पास बेहतर सामाजिक मुद्दे और आर्थिक एजेंडे होते। गांधी जी का ज्यादा ध्यान मुद्दों पे होता, ना कि किसी पार्टी पे। 1952-53 में भारत के पास एक नई सरकार होती और सामाजिक मुद्दों को संभालने की स्पष्ट नीति होती, साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ मधुर संबंध होते। गांधी जी बुजुर्ग हो चुके होते, उनके सेहत बिगड़ने की खबर भी आए दिन मिलते रहती, जिसके चलते वो ज़्यादा कहीं दौरे पे तो नहीं रहते, पर हाँ चिट्ठियों से उनका सारे विश्व के नेताओं से बात होता रहता। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमन से उनका निवेदन होता कि वो कोरिया से युद्ध बंद कर दें। 1952 में उनको ब्रिटेन की महारानी के राज्याभिषेक के लिए बुलाया जाता, पर वो सेहत के चलते नहीं जा पाते, पर हाँ चिट्ठी लिखकर बधाइयां जरूर देते। एक महात्मा होने के नाते वो हमेशा भारत और दुनिया को आगे बढ़ाने की ही बातें करते रहते। अंततः 1953 में उनकी प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती। अभी भी उनके जनाजे में वैसी ही भीड़ रहती जैसा कि 1948 में थी। बस फर्क ये होता कि लोगों में गुस्सा नहीं होता और आज की परिस्थिति कुछ और होती। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमें आगे के वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स रेगुलर आपको मिलते रहें। धन्यवाद।